श्रीलंका च चल रहे आर्थिक संकट दी मार लंबे समय तो श्रीलंका नाल करोड़ां दा व्यापार कर रहे व्यापारियों नूं चलनी पै रही है। उन्हां दा कहना है कि इस आर्थिक संकट कारण उन्हां दी करोड़ां दी अदायगी रुक गई है। इस दे नाल ही व्यापारियों वल्लों भारत सरकार नूं कोई नीति बना के उन्हां दी समस्या दा हल कढ़न दी गुहार लगाई गई है। साडा करीब कोई 8-10 करोड़ दा 15 करोड़ दा जिहड़ा कारोबार साडा श्रीलंका नाल हुंदा है, चाहे वह छोटी सिलाई मशीन च है, ओवरलॉक च है, बैक क्लोजर च है, तो गारमेंट इंडस्ट्री च है, वो साढ़े क्योंकि ऑर्डरस भी रुक गए हैं अगले आने वाले और जड़िया पिछलियाँ पेमेंट्स देनिया सी पेमेंट्स भी स्टॉप हो गई और अगला कोई योजा भरोसा भी नहीं है कि कदों तक वो पेमेंट्स मिलनगियाँ या कदों तक अगले कोई ऑर्डरस तुरन गए। तो यह मैं समझना कि साड़ी सिलाई मशीन इंडस्ट्री को खास करके श्रीलंका का जो अंदरूनी उन्हों का आर्थिक संकट होया उसका सानू बड़ा नुकसान होया। पोर्ट में जो मेरे ख्याल से जलंधर से ज़्यादा नहीं होगा तो 3 और 4 करोड़ के बीच में अमाउंट होगी ऐसी जो वहाँ से रिकवरेबल नहीं है, तो इसको देखते हुए हम ये जरूर कहेंगे कि जो क्राइसिस है, क्योंकि इसमें भारत सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कैसे भी करेंसी वैल्यू को करके उसको जो हमारे लोगों की पेमेंट है वो यहाँ से आ जाए, पर मुझे थोड़ा से टेढ़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, होएगा नहीं इतना जल्दी, बट हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कंट्रियों का हालात ठीक हो जाए और हम फिर उसी तरह से व्यापार शुरू कर दें। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा पंजाबी साडियां बावां एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा जोश जज्बा जुनून।